आज दादी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए, आपको पता है क्यों? नहीं ना, चलिए देखते हैं आगे। नमस्ते, तो मेरा नाम शनाया है और सुबह सुबह मैंने बनाई थी यार टेस्टी सी मैगी। आपको तो पता ही कि भैया की शादी होने वाली, तो पापा ने मुझे बोला कि स्टोर रूम खाली करवा दो, तो मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद मैंने स्टोर रूम खाली करवाना स्टार्ट किया, फिर एक अंकल काम करते हैं वो और छोटे दादाजी दोनों आ गए, उन दोनों ने मदद की रूम खाली करवाने में। बाहर देखिए खिड़की से कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है, आम है, मुझे तो बहुत पसंद है, खट्टा खट्टा आम और इसकी चटनी। आपको पसंद है कमेंट में जरूर बताइए। फिर मैं आकर नीचे वाले रूम को भी मैंने खाली करवा दिया अच्छे से, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बहुत धूप था ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई और मैंने ठंडा ठंडा चल पानी पिया। और फिर मम्मी ने मुझे बोला कि खाना खा लो, बहुत लेट हो गया था, तो मैं खाना खाने के लिए चली गई। मैंने चावल दाल सब्जी भुजिया बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया क्योंकि फिर मुझे मार्केट जाना था और बहुत सारा सामान भी लेकर आना था। खाना खाकर फिर मैंने ना मम्मी की हेल्प की सामान साड़ी वगैरह पैक करने में, और फिर दादी ने आके मुझे पैसे दिए। उन्होंने बोला कि ज्वेलरी वाले शॉप वाले को देना है, कुछ पेंडिंग रह गया था, तो मैंने ले लिया पैसे। फिर आंटी आ गई थी और पापा बैठे हुए थे, आंटी ने चाय वाय पिया। फिर ना मैं आंटी हम लोग निकल गए ज्वेलरी वाले शॉप पे, मैंने उनको पैसे दिए। और ये देखो परी, परी इतनी ज़्यादा शैतान है ना, पूरे टाइम बस मस्ती करती रहती, सबको परेशान करती। ज्वेलरी के शॉप के बाद हम लोग गए जनरल स्टोर, वहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान लिया जो कि दुल्हन को देना था, क्योंकि देते हैं ना, तो मैंने सबको सामान खरीद लिया, सबको पैक करवा लिया अच्छे से। तो ना बुआ आई हुई थी और मेरे सोन पापड़ी लेकर आई थी, तो मैंने वो खाया, पानी पिया और सबके सोने का इंतजाम कर दिया। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग।